आज कलर्ड पेपर क्राफ्ट में सबसे पहले हम बनाने वाले हैं फैन फ्लावर, जिसके लिए हमने पेपर पे एक रफ सी मार्किंग कर ली है इस तरीके से। फिर हमें एक साइड फिर दूसरा फोल्ड दूसरे साइड से करते हुए इसको पूरी पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हाफ से इसको डिवाइड करके मैंने बीच से उसको स्टिक कर दिया था। इसी तरीके से एक और पेपर से हमें फोल्ड करके, ताकि ये हमारा फ़ैन जो है वो फ्लावर जैसा लुक दे, हमें एक और फ़ैन रेडी करना है और साथ में सबको स्टिक कर देना है कॉर्नर्स को। ये देखिए खूबसूरत सा फ़ैन इसी तरीके से बनके रेडी हो जाएगा। मैं एक कार्डबोर्ड भी लगा देती हूँ फैंस में, ताकि ये कहीं भी स्टिक करने में हमें ईजी रहे। दूसरा बनाने के लिए इसको सबसे पहले वर्टिकली एक फोल्ड कर दिया, फिर दो हॉरिजेंटल फोल्ड करने हैं। एक शीट से हम 6 फ्लावर्स तक बना सकते हैं, तो हमने क्या करना है, उसको सबसे पहले फोल्ड करने के बाद सर्कल बनाना है और उसको फिर कट कर लेना है। एक रफ क्वाइल जैसा शेप बनाते जाना है और मैं सबको एक ही साथ कट करने वाली हूँ। पतले वाले एंड से इसको फोल्ड करते जाना है इस तरीके से। थोड़े फोल्डिंग्स के बाद आप देखोगे कि एक साइड जो है वो थोड़ा ब्रॉड रहेगा और दूसरा बहुत नैरो सा लगेगा। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे रोज़ जैसा शेप आपको दिखने लगेगा। ऐसे ही पूरे को फोल्ड करते जाना है और एंड में जो थोड़ा सा रह जाता है हमें उसको स्टिक कर देना है बेस पे। इस तरीके से हमारे रोज़ेस बन गए हैं। आप और भी चाहे तो 5 बना सकते हैं। मैं पिंक कलर के रोज़ेस बनाए हैं मैंने, और जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। इस तरीके से आप हाथ से इसको और खोल सकते हैं ताकि ये रोज़ थोड़ा बड़ा लगे। अब मैं बनाने वाली हूँ लीफ। लीफ बनाने के लिए फिर से एक वर्टिकल फोल्ड दिया है और इसके बाद मैं 10.5 सेंटीमीटर की मार्किंग्स लेके इसको कट करने वाली हूँ। हमें लीफ बनाने के लिए स्क्वायर शेप के शीट्स चाहिए। सारे स्क्वायर्स को काटने के बाद में हमें एक ऐसे 2 इंच से स्ट्रेट लाइन खींचनी है और फिर हमें इसे काट के सारे स्क्वायर्स को अलग करने हैं। हमारे पास टोटल की 8 स्क्वायर्स हो गए हैं, जो हम 8 लीव्स बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ बस आपने वैसे ही फोल्ड करना है। हमें सेम चीज़ करनी है जो हमने फ़ैन के टाइम में किया था, सेम वही तरीके से फोल्डिंग्स करनी है। और ये दो एंड्स जो है हमें उसको सेंटर से ज्वाइन कर देना है। ये हमारा लीफ बनके रेडी हो गया है। मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको कलर्स दिखा रही हूँ मैंने वैसे कलर्स नहीं बनाए हैं। मैंने सारे कलर जो बनाए हैं वो है, मैंने पिंक कलर की लीव्स बनाई हुई हैं और रोज़ेस जो बनाए हैं वो डार्क ब्लू और पिंक कलर के बनाए हैं। मेरी डार्क कलर की शीट्स ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं आपको लाइट कलर में दिखा रही हूँ। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बना के रख ली हैं। मैंने एक छोटा सा रेड फैन फ्लावर भी बनाया है। सबको अरेंज करने के लिए मैंने एक साड़ी के डब्बे से थोड़ी सी शीट काटी है, जो कि थोड़ा सा हमारे फ्लावर से बड़ा होना चाहिए, और हम आप सबको इस पर स्टिक करते जाएंगे।
लीव्स को भी साइड में हम स्टिक करते जाएंगे। लीव्स के बीच में जो गैप थी उसमें मैंने ब्लू फ्लावर को लगा दिया है। अब हम साइड से पिंक वाले को लगाते जाएंगे। ड्राई हो जाने के बाद ये बिल्कुल भी रेडी है। अब हम बैठने के लिए एक आसन बना लेंगे। आसन बनाने के लिए खाली बॉक्स को यूज़ करना है, बस आपने उस पर पेपर लगा देना है। अगर आपके पास कैसे भी लेसेस हो उसको लगा दें और हो गया। अगर ये इजी, अफोर्डेबल और वाइब्रेंट सा लुक आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक